अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? आपने सुना होगा ये, और आज पाकिस्तान इस हकीकत से रूबरू भी हो रहा है। सांप पाल रहे थे, खमियाजा भुगतना ही था। उस खमियाजे का पहला ट्रेलर इमरान खान और बाजवा को नजर आ गया जब न्यूजीलैंड की टीम मैच से आधे घंटे पहले टॉस से एन पहले फैसला करती है कि इनकी जमीन पर नहीं खेलना। इस फैसले से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो किरकिरी हुई है उसे संभाल पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। इमरान खान ने न्यूजीलैंड की पीएम को फोन करके इल्तजा की कि प्लीज मत रद्द कीजिए दौरा, लेकिन वहां रिस्क कौन ले सकता है जब इसी तरीके का भरोसा दिया गया था श्रीलंका की टीम को, और श्रीलंका की टीम की बस पर फायरिंग की गई थी, कई खिलाड़ी जख्मी हुए थे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में पूछेंगे कि कल ही इमरान खान ने पूरी दुनिया को धमकी दी कि तालिबान को मान्यता दो वरना अंजाम बुरा भुगतोगे, और ऐसे बड़बोलेपन के 24 घंटे के भीतर ही इमरान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। आज हम हक्कानी के यार बने इमरान की पोल खोलेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि कैसे इमरान के कट्टर पंथ पर मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला है, और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि अगले 200 घंटों के भीतर पाकिस्तान और तालिबान पर कैसे दुनिया के बड़े मुल्क तगड़ा प्रहार करेंगे। लेकिन वो बताऊं, उससे पहले आपको दिखाता हूं इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान में जल्द आएगा बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल। तहरीके तालिबान की इमरान बाजवा को खुली चुनौती। जब तक पाकिस्तान को आजाद नहीं कराएंगे दम नहीं लेंगे। विदेश मंत्री कुरैशी के ऑफर को टीटीपी ने सिरे से ठुकराया। पाकिस्तान की इमरान सरकार को कबूल करने का ऑफर था, कुरैशी ने बदले में पाकिस्तान की तरफ से तहरीके तालिबान को माफ करने की बात कही थी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सबसे पहले इस खबर पर मैं एक प्रतिक्रिया लेने के लिए चलता हूँ खास मेहमान के पास। विवेक काटजू साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक काटजू साहब, और बल्कि अब हमको लाइव मिल सकते हैं, मुझे पता चल रहा है। विवेक काटजू साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की अड़ी में। ये खबर सामने के आने के बाद भी पाकिस्तान अभी डिनायल मोड में रहेगा, या आप कम से कम समझेगा खतरा क्या है? नहीं, पाकिस्तान तो हमेशा समझता है कि टीटीपी से उसको खतरा है, क्योंकि टीटीपी वही लोग हैं जो एक जमाने में उसके दोस्त होते थे और अब दुश्मन। तो चाहे वो उनके विदेश मंत्री या उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कुछ भी बोले, बयानबाजी एक चीज होती है लेकिन हकीकत तो वो भी जानते हैं। तो मतलब जो अश्योरेंस दिया गया ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के बारे में तालिबान की तरफ से चाइना को, टीटीपी के मामले में ऐसा कोई अश्योरेंस पाकिस्तान को नहीं दे रहा है तालिबान, मतलब ये नहीं, इसमें अब ना तो तालिबान के जो कनेक्शन हैं टीटीपी से वो गहरे हैं, और हम ये समझते हैं कि तालिबान बिल्कुल निर्भर है पाकिस्तान पे। लेकिन जब ऐसी रिलेशनशिप होती है जैसे तालिबान और पाकिस्तान की है, तो उसमें अगर एक साइड 40% निर्भर है तो दूसरी साइड 60% निर्भर है। ऐसा नहीं होता है कि एक पूरा 100% एक साइड निर्भर है। तो इसलिए तालिबान के पास भी पत्ते हैं, ये खेल जो होता है उसमें पत्ते तो सब अपने पास रखते हैं। दूसरी चीज, हाँ ये जरूर है कि तालिबान जो है वो टीटीपी पर अंकुश बना के रखे। देखिए एक चीज मैं आपसे कहूँ, वो एक सेकंड दीजिएगा मुझे। इस खेल में सबसे बड़ी चीज होती है कैलिब्रेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैलिब्रेट करना। अब पाकिस्तान ने जो हमारे खिलाफ आतंकवाद किया है
30 साल से वो उसको कैलिब्रेट करते हैं, कभी बढ़ाते हैं कभी कम करते हैं, खत्म कभी नहीं करते। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक देश दूसरे देश या एक गुट एक दूसरे गुट एक गुट एक किसी देश के साथ, ये सब खेल कैलिब्रेशन का खेल होता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, 100% और 0% नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूँ, कैलिब्रेशन का ये खेल, और इसको दूसरे ये डिप्लोमेटिक टर्म आपने सुना, एक दूसरा टर्म शायद ब्रिंकमैनशिप, जिसमें कितना आगे बढ़ना है, कहां से लौटना है, कितना और दबाव बढ़ाना है, फिर कहां पीछे जाना है, और शायद ये पूरा जैसा कहा गया ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं होता, मामला ग्रे है, लेकिन यहां तो ब्लैक भी शायद वो पनाह मांग जाए, जहां जितना जितना अंधेरा यहां पर दिखाई दे रहा है चीजों को लेकर। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास एक ताजा अपडेट के लिए मैं चलता हूं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को माफी की पेशकश की गई थी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कहा ये तुम अपने पास रखो, हम डूरंड लाइन मानते नहीं, कुछ दिनों में तुमको भी आजाद करा लेंगे, मतलब इस जगह को भी आजाद करा लेंगे जैसे कराया अफगानिस्तान को। ये पॉस्चरिंग के मामले में तो बता दिया तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान माफी वाली बात ना करे, अपनी खैर मनाए। मनीष जी हाँ बिल्कुल, देखिए और सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान क्या सोचता है कि हर आदमी को हर संगठन को खरीद सकते हैं, हर आदमी और हर संगठन के साथ आप डील कर सकते हैं, वरना कोई भी देश एक ऐसे संगठन के साथ कैसे डील करने की हिम्मत कर सकता है जिसकी वजह से 200 मासूम बच्चे मारे गए थे, जिस पर पाकिस्तान आरोप लगाता है कि TTP की वजह से ऐसा हुआ। उसके बाद भी आज तक भारत के लोगों को ये अभी तक नहीं हजम हो पाया है कि उस स्कूल में एक आतंकी हमला होता है, 200 बच्चे मारे जाते हैं, और तब इमरान सरकार उनको ऑफर देती है कि चलो ठीक है भाई, हम आपको माफ करते हैं, आप भी हमारी गद्दी को कबूल कर लीजिए। तो ये कबूल है वाली जो थ्योरी है ये निहायत ही, मतलब अगर आप कहें तो पूरी दुनिया में अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन फिर पाकिस्तान से और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, पाकिस्तान से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। और यहाँ कबूल है आतंकवाद, पाकिस्तान को कबूल है, और अगर कबूल है तो फिर उसकी कीमत भी पाकिस्तान को देनी है। हालांकि ये बात और है कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ये कीमत चुका रही है, और पाकिस्तान के किए धरे को दुनिया भुगत रही है। तालिबानियों को पालने वाले इमरान बाजवा को जोरदार झटका, इमरान खान के फोन के बावजूद नहीं खेली न्यूजीलैंड की टीम। न्यूजीलैंड के PM को इमरान खान ने फोन करके मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाल ही में एक इस तरीके का हमला देखा जिसके बाद उनकी आंखें खुल गई हैं, और वो भी समझने लगी हैं कि रेडिकलाइजेशन कहां तक ले जा सकता है चीजों को। इमरान के फोन का असर नहीं हुआ, न्यूजीलैंड क्रिकेट का दौरा रद्द। हालांकि PCB ये कहता रहा कि ये तो यूनिलैटरल फैसला है, अरे पहले जान बचाएंगे कि आपके फैसले देखेंगे, बाइलैटरल तरीके से सहमति के साथ हो। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान सुशांत सरीन, विदेश मामलों के जानकार, अब जरा उनका रिएक्शन में ले लूं। साथ में आपको दूसरे मेहमान भी नजर आ रहे हैं, मेजर जनरल AK सिवाज साहब नजर आ रहे हैं, अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट भी आपको इस चर्चा में नजर आ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं अपने बाकी मेहमानों का भी, और जरा इसको समझने के लिए सरीन साहब के पास जाऊं मैं। सरीन साहब, अब ये पाकिस्तान ने जो बोया वो काट रहा है, आज लगा कैसा होगा जब न्यूजीलैंड ने कहा होगा कि नहीं आपके यहाँ आपकी गारंटी पे भरोसा करके हम खेल नहीं सकते? नहीं देखिए, इसमें तकलीफ तो बहुत हुई होगी, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई होगी कि ये जो चेतावनी आई न्यूजीलैंड की टीम को, वो शायद जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हाई कमीशन जो है उनकी तरफ से ये चेतावनी आई, तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड वालों ने इसको बड़ी सीरियसली लिया, और पाकिस्तान को ज्यादा चोट इसलिए लगी होगी कि उनको बिना बताए ये डिसीजन ले लिया गया। मैं आपकी जानकारी में एक बात डालना चाहता हूं सुशांत सर, हम बात कर रहे थे इसमें, जावेद मियादाद हमारे साथ लाइन पर थे, उनसे जब ये सवाल किया गया तो वो इसको एशिया बनाम गोरे बनाने लगे, वो कहने लगे कि देखिए लोग बहुत सेंसिटिव टीमें हैं, इनको बहुत जल्दी किसी चीज से फर्क पड़ जाता है, और इसीलिए ये यूनिलैटरल फैसला लेकर यहां से चले गए, अगर यहां कोई एशियाई टीम होती तो ऐसा नहीं करती। उनको शायद भूल गए वो कि 2009 में श्रीलंका की टीम आई थी, उसके साथ क्या किया था, अब उसके बाद अगर गोरे सबक ना लें या पूरी दुनिया सबक ना ले तो क्या करे। सुशांत सर मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन SCO समिट में जो आज हुआ, SCO समिट में अपने जन्मदिन के दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मंच पर बावाज़े बुलंद ये ऐलान कर दिया कि अगर इस दुनिया को खतरों से अपने आप को दूर रखना है तो सबसे पहले रेडिकल सोच से खुद को दूर रखना होगा। अगर ये कट्टर सोच पनपती गई, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो तालिबान हो, ये सारी की सारी सोच, ये कट्टर सोच, अगर इस रेडिकलाइजेशन से दुनिया ने खुद को निजात नहीं दिलाया, पाकिस्तान ने इसको पाला पोसा, तो फिर वो क्षेत्र की सुरक्षा हो या इस ग्लोब की सुरक्षा, वो भूल जाना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौतियां
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषण के अगर आप हाईलाइट जानना चाहते हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यहां सबसे बड़ी चुनौती है शांति, सुरक्षा और भरोसे की कमी, पीस, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट डेफिसिट, ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। और इन चुनौतियों के कारण क्या है, उन्होंने कहा बढ़ता हुआ कट्टरपंथ इन चुनौतियों का कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अगर ये कट्टरपंथ ना होता, ये बढ़ता हुआ कट्टरपंथ, तो ये चुनौतियां ना होती, तो फिर समाधान क्या है? समाधान, उन्होंने कहा, कट्टरपंथ से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को साथ में आना होगा और खास तौर से ऐसे साझा मंच तैयार हों। उन्होंने उदाहरण दिया कि एससीओ के तमाम देशों में, हिंदुस्तान में तमाम जगहों पर आपको ऐसे मंच मिल जाएंगे जहां पर शांति के साथ, सद्भाव के साथ मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को पहचानना होगा, इनको बढ़ाना होगा और कट्टरपंथियों से इस दुनिया को निजात दिलानी होगी। इमरान खान के सामने इस्लाम को लेकर खूब बोले पीएम मोदी। वहां जहां इमरान एक दिन पहले पहुंचकर पूरी लॉबिंग फील्डिंग करने में जुटे हुए हैं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर वो बात कह दी जो 100 सुनार की पर एक लोहार की जैसे थी। एससीओ देश, मोदी बोले मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना होगा। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने अब 20 साल पूरे किए हैं, उसको मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना होगा। और यह भी कहा कि रैट्स जैसा जो इनिशिएटिव है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, रैट्स इनिशिएटिव, रीजनल एंटी टेररिस्ट जो कोशिशें हैं उनको और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप यहां देखिए, उधर इमरान, उनके दिमाग में तो चल रहा होगा कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। अरे देखिए हमारे एक पूर्व एम्बेसडर ने क्या कह दिया, असल में उनका दिमाग बाहर चल रहा होगा। क्यों चल रहा होगा, जरा यह देख लीजिए तालिबान की जीत पर क्या कहा है हुसैन हक्कानी ने। आप अभी तक हक्कानी ये नाम सुनते आए हैं किसी एक संदर्भ में, जरा इस हक्कानी का नाम भी सुनिए और देखिए कि उसने क्या कहा है, और बहुत गौर से देखिए। यह है हुसैन हक्कानी, कौन है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कहा क्या है वो देखिए। तालिबान की जीत पर जश्न मनाए पाकिस्तान, लेकिन उसको यह बहुत महंगा पड़ेगा। हुसैन हक्कानी जब यह बात कह रहे हैं तो पाकिस्तान को कम से कम इसे सुन लेना चाहिए कान खोलकर। उन्होंने कहा है कि जश्न का खमियाजा हर स्तर पर उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अफगान और पाकिस्तान तालिबान में फर्क नहीं है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ इशारा था। अफगान तालिबान बड़ा भाई है, पाकिस्तान का तालिबान छोटा भाई है, लेकिन है तालिबानी सोच के। पाकिस्तान का तालिबान भी वही करेगा जो अफगानिस्तान के तालिबान ने किया। पाकिस्तान की हुकूमत और फौज आतंकवाद का समर्थन करती है। अफगानिस्तान में जो कुछ होगा पाकिस्तान में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो कहा गया, देखिए इस दानिशमंद आदमी की कही हुई बातों का असर देखिए कि कुछ ही वक्त बीता और उधर क्या कह रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। वो कह रहा है माफी अपने पास रखो, आजादी दिलाएंगे, इस जगह को भी आजादी दिलाएंगे जैसे अफगानिस्तान को आजादी दिलाई। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हुसैन हक्कानी ने ये बात कह दी थी कि सोच वही है, यहाँ भी वही करेंगे जो वहां किया था, और इससे बचाने के लिए, खुद को अगर बचाना है तो इस सोच का समर्थन बंद करो। कौन है हुसैन हक्कानी और क्यों इनकी बात को बहुत संजीदगी से कम पाकिस्तान को लेना चाहिए? पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट हैं हुसैन हक्कानी। 2007 से 2011 तक यूनाइटेड स्टेट्स में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं। ये बहुत उम्दा टीवी प्रेजेंटर और फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट भी हैं। हडसन इंस्टीट्यूट में एशिया के डायरेक्टर हैं। और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो जाहिर है उनको सबसे पहले पाकिस्तान की अस्मिता प्यारी होगी, पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल होगा, उनको ख्याल होगा कि पाकिस्तान के झंडे को वो अपने दिल के करीब रखकर देश का रिप्रेजेंटेशन कई जगहों पर करते रहे। और अगर ये बात वो कह रहे हैं सार्वजनिक मंच पर कहने के लिए वो अगर मजबूर हैं, तो इस बात को समझना चाहिए पाकिस्तान को, इससे पहले समझना चाहिए कि देर बहुत ज्यादा हो जाए। ये खतरा पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा, ये जो कहा जाता है सिवाज साहब, ये इन्होंने बार बार कहा पाकिस्तान से, जब भी पाकिस्तान में लोगों से चर्चा होती है तो वो कहते हैं आप नहीं समझेंगे, वो हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं और जियोलॉजिकली हम जिस पोजीशन में हैं इसलिए हमारा जो परसेप्शन है वो आपका नहीं हो सकता, लिहाजा हमको मत बताइए। कि अब हुसैन हक्कानी उनको बता रहे हैं, आप समझ में आएगा? बिल्कुल सच बात है दिनेश की, उन्होंने एक साफ सुथरा शीशा दिखाया है हुसैन हक्कानी ने, क्योंकि सच्चाई है कि ये जो पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा है
कि तालिबान की जीत होगी अफगानिस्तान में, ये एक शॉर्ट लिव्ड है। अभी धीरे धीरे इनके रिलेशन खराब होने स्टार्ट होंगे, और सबसे वजह होगी एक तो ड्यूरेंट लाइन नहीं मानता है तालिबान, क्योंकि पश्तून इसको नहीं मानते हैं, ये एक कॉज ऑफ फ्रिक्शन होगा। दूसरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान के जो अब टेररिस्ट एक्टिविटी इतनी बढ़ जाएंगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान टूटने के कदार पे आ जाएगा। जो कहते हैं कि ये तालिबान जो है अफगान का एक छोटा भाई है, वो छोटा भाई तो है मगर वो भाई बड़े से भी बड़ा हो गया है। अब वो नहीं सुनेगा अफगान तालिबान की, वो करेगा जिसको वो लगता है उसका, जो उसको ठीक है, वो शरिया लॉ लेना चाहेगा पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान रेडी है? क्या इन बातों की वजह से सिवाज साहब काबुल में पावर स्टेशन पर जो ब्लास्ट हुआ है, कहा जा रहा है उसमें आईएसआई का हाथ है, क्या आईएसआई ये कह रहा होगा तालिबान से ये नेगोशिएशन में कि तुम तो टीटीपी को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो, तो लो भुगतो, अगर हमारी हम तुम्हारी सरकार बनवाना जानते हैं तो तुमको फिर हम गिराना भी जानते हैं, क्या ये हो सकता है इसके पीछे? ये जरा समझूंगा मैं, लेकिन उससे पहले सज्जाद तरीन साहब के पास जाना चाहता हूँ, पाकिस्तान से हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सज्जाद तरीन साहब, आप पाकिस्तान से एक अजीम जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ हुसैन हक्कानी के बयान को आप किस तरीके से लेते हैं? अवधेश कुमार साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले आपसे सज्जाद तरीन साहब। देखिए मैं आपको आज करूं, हुसैन हक्कानी जो है वो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, पाकिस्तान की वहां नुमाइंदगी करते रहे हैं, लेकिन अब हुसैन हक्कानी साहब की जो मफादात हैं वो कुछ और हैं, अब वो कुछ और बातें कर रहे हैं। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, ये तालिबान 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 करके पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा तालिबान से नुकसान उठाया। जब अमेरिका 9/11 के बाद अफगानिस्तान में आया तो हमने 70,000 के करीब जानों का जो है वो शहादतें दी हैं, 70,000 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए हैं। हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, हम विक्टिम रहे हैं दहशतगर्दी के, गाये बगाये अब भी हमारे यहाँ जो है वो दहशतगर्दी होती रहती है। और वो आप देखें, हमने कुलभूषण को पकड़ा, हमने ये कहा, ये बहुत पुरानी बातें करने का फायदा नहीं है। देखें मैं आपको अर्ज करूं, हम दोनों ममालिक को, हम पड़ोसी हैं, हम पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हम दोस्त अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। हमने देखें यूरोप लड़ा, यूरोप के मुल्क लड़े, आपस में क्या लिया उन्होंने? आज यूरोप को देखें और एशिया को देखें कि सार्क ममालिक किस तरह बैठे हुए हैं। सर आपकी आपने आपने ये नाम ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की आपने कहा अवाम को मिलना चाहिए। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कह दी, एक्चुअली आप कह रहे हैं पाकिस्तान सज्जाद तरीन साहब, ये हम चैनल पर बैठ के आप भगोले ना करें, आप अल्फाज जो है वो बम ना निकालें, क्या अल्फाज ऐसे लग रहे हो जैसे बम निकल रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, सज्जाद तरीन साहब, दीवारें बर्लिन आप हमारे बड़े अहम तरीन गेस्ट हैं सर, मैं आपको रुकने के लिए कह रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सज्जाद तरीन साहब। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि बुलडोज करके आपकी आवाज पे अपनी आवाज चढ़ा दूं या आपको बीच में रोक दूं, मैं आपसे ये इल्तजा कर रहा हूं कि आपकी बात पर विवेक काटजू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड सुनिए उनको। विवेक सर, तरीन साहब को मैं याद दिलाऊं कि सबसे पहले हमारे वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। उन्होंने ये बात पाकिस्तान में कही थी, लाहौर गए थे, बस पे चढ़ के गए थे, और उसके जवाब में उनको कारगिल मिला। ये याद रखिए तरीन साहब, आप जो अब उपदेश दे रहे हैं, आप जो अब हमको सीख दे रहे हैं, वो उसको सीख दे रहे हैं जो पहले ही ये बात मान चुका है और उसके उस बात पे उसको उसके पीठ पे खंजर भोका गया था। मुशर्रफ ने वाजपेयी जी की पीठ पे खंजर भोका था, हम क्या भूल जाएं वो सब? हमारे मुल्क के जो प्रेसिडेंट थे आसफ अली जरदारी साहब, उन्होंने अमेरिकन्स को ये कहा था, उन्होंने अमेरिकन को ये कहा था कि हम पड़ोसी, अरे अमेरिकन को जो कहा हो, हम तो पड़ोसी हैं, अमेरिकन आपके कहां से पड़ोसी हो गए? हम तो पड़ोसी हैं, हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपकी सरजमीन पे ये कहा था, एवं उनके मुशर्रफ ने कारगिल का अंजाम दिया था, याद रखिए। इस पर जवाब दीजिए, जब अमेरिकन ने हमें कहा, हमारे पे दबाव डालने की कोशिश की कि आप ये करें, खित्ते में ये करें, तो हमने उनको कहा कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, अमेरिकन हमारे पड़ोसी नहीं है, हमारा पड़ोसी इंडिया है, हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है, सज्जाद तरीन साहब पड़ोसी जो है, सज्जाद तरीन साहब चाइना है हमारा पड़ोसी, हम ये चाहते हैं। मैटर मोर देन द वर्ड्स,
अच्छे अच्छे जुमले कह देने से नहीं होता, करतूत क्या होती है वो मैटर करता है। अवधेश कुमार जी के पास जाना चाहता हूं मैं। अवधेश कुमार साहब, अभी सज्जाद तरीन साहब कह रहे हैं कि रहे होंगे कभी वो यूएस में हमारे एम्बेसडर, अब उनके अकीदे बदल गए, उनका भरोसा बदल गया, कोई आईना दिखाता है वो आदमी गलत हो जाता है। अवधेश कुमार साहब, तो ये पाकिस्तान की तो पुरानी नीति है, जरा ध्यान रखिए ना अभी कि कितने प्रधानमंत्री पाकिस्तान के आज भी निर्वासित जीवन जी रहे हैं। मुशर्रफ के समय के दो दो प्रधानमंत्री देश के बाहर रह रहे हैं, नवाज शरीफ देश के बाहर हैं, ये कोई नई बात है? तरीन साहब भूल रहे हैं कि वही हक्कानी नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो दोनों की सरकार में थे, बेहतर पत्रकार थे, चार चार पुस्तकें उन्होंने लिखी है, दुनिया में उस पुस्तक को उदाहरण के रूप में दिया जाता है। और गलत क्या कहा है आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं हक्कानी तो अफगानिस्तान का जो है ट्राइबल है। अरे पश्तूनों में कितने हक्कानी है, पाकिस्तान में हक्कानी जो है टाइटल गिरे जाते हैं। आपके आपके प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके कहते हैं कि 30 से 40 टेररिस्ट हमारे यहाँ हैं, तो अब उसको नकार देना, पाकिस्तान के पास चारा क्या है? कार्जू साहब कह रहे थे कि अमेरिका उनके पड़ोसी थोड़े, बाकी पड़ोसी नहीं है, लेकिन वो तो पहले अमेरिका को ही अपना पड़ोसी मानते थे। वो सबको पता है कि अमेरिका ने इनको कैसे पाला पोसा, उसके धन का, उसके बम का, हथियार का कैसे उपयोग हुआ, तालिबान कहां से खड़ा हुआ है, ये सबको मालूम है। नहीं, अब मैं जरा ये समझ लूं कि क्या वहां की आर्मी, अवधेश कुमार साहब, अगर ये मोड है, अगर इस तरीके की सोच है, तो वहां की बेचारी आवाम के लिए काम करने वाला कौन है? उनको तो आतंकवादियों के हवाले कर देने वाले वहां की आर्मी, वहां की सरकार, वहां के लोग ही वहां के लोगों को आतंकवाद के हवाले करने लगे हुए हैं। जरा ये बात भी समझ लो सुशांत सरीन साहब, एक तरीके से तो ये जो कहते हैं आतंकवाद से पीड़ित है, अगर मैं ये मान लूं कि वो जो मारे गए थे बच्चे 2014 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर में जब अटैक किया था, तो एक्चुअली इनके हुक्मरानों की वजह से ये हुआ है। यार दो चीजें हैं, एक तो जो हुसैन हक्कानी ने जो भी बात बोली उनके ऊपर आप लालचन तो जो मर्जी लगा दीजिए, लेकिन ये कोई पाकिस्तानी ये नहीं बताता कि उन्होंने ऐसी कौन सी बात की जिस पर इनको इतनी आपत्ति है, उन्होंने कौन सी ऐसी बात की जिससे पाकिस्तान के जो हित हैं वो इफेक्ट होते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं, वो तो इनफैक्ट पाकिस्तान के हितों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि आप सुधर जाइए ताकि आपके हित आगे बढ़े, लेकिन ये मानते नहीं है। और यही कारण है, और इसीलिए जो इनसे ऐतराज किस बात पर है, मैं पूछता हूं जरा, ऐतराज किस बात पर है तरीन साहब? मैं आपको आज करूं जो ऐतराज की बात है ना, उनकी जो बातें हैं वो उनका एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे मैं इत्तफाक करूं या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप उससे इत्तफाक करें, ये कोई जरूरी तो नहीं है। जवाब दीजिए तरीन साहब, आपके कई प्रधानमंत्री एग्जाइल में रहने क्यों चले जाते हैं, किसी प्रधानमंत्री को आप फांसी पर क्यों चढ़ा देते हैं? यार दिनेश, इनसे ये पूछे कि कौन सी बात से इत्तफाक नहीं है इनको, किस बात से इत्तेफाक नहीं है? उन्होंने क्या कहा हुसैन हक्कानी ने जो आप समझते हैं गलत कहा है? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। समझता हूँ कि हुसैन हक्कानी ने ये देखे पूरी, आप भी कह रहे हैं हुसैन हक्कानी भी कह रहे हैं तालिबान, देखे तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान के अवाम अगर उनको कबूल करती है नहीं करती हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने ये इस पे इनकार कर दिया है कि हमारा अब तालिबान से ना कोई लेना है ना कोई देना है कुछ नहीं है। इसीलिए शाह महमूद कुरैशी पूरी दुनिया में लॉबिंग करने घूमते हैं उनके लिए, और इसीलिए आपके यहाँ लाल मस्जिद में झंडा फहराया जाता है उसका, क्योंकि आपका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आईएसआई के चीफ वहां जाते हैं सरकार बनवाने के लिए, क्योंकि आपका कोई लेना देना नहीं है। नहीं देखें, ये आप कह रहे हैं कि सरकार बनवाने के लिए जा रहे हैं, देखिए आईएसआई चीफ इसलिए गए हैं कि हम वो जो हमारे पड़ोसी हैं वो करीब में हैं, हम ये चाहते हैं कि उनके यहाँ जो लड़ाई है, उनके यहाँ वो खाना जंगी, उनके यहाँ अगर कुछ होता है तो वो हमारी तरफ ना आए, हम अपने आप को महफूज करना चाहते हैं, हम दुनिया को, हम तो दुनिया की लड़ाई लड़ते रहे हैं दहशत गर्दी की। ठीक है, सिवाज साहब के पास जाता हूँ, सिवाज साहब ठीक है सर, सज्जाद तरीन साहब पॉइंट टेकन सर, अब ये जो मैंने पॉइंट ले लिया आपसे, जरा जाने तो दीजिए मुझे, सिवाज साहब के पास भी जाने दीजिए। सिवाज साहब कहते हैं अच्छा वकील वो होता है, वकीलों की डेफिनेशंस में
जो गॉन केस को, जिसमें सबको दिख रहा है कि असल में हकीकत कुछ और है, उसमें भी मुवक्किल को जितवा दे। सज्जाद तरीन साहब अच्छे वकील हैं क्या, ये मैं आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दूं। अफगानिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, तालिबान का क्रूर और महिला विरोधी चेहरा सामने आया, महिलाओं को हक और अधिकार देने के प्रोपेगेंडा से उठा पर्दा, तालिबान सरकार में महिलाओं के मामले कम, मंत्रालय ही बंद कर दिया गया, मंत्रालय बंद, महिलाओं के हित वाले मंत्रालय को तालिबानियों ने बंद किया, न रहेगा बांस। अब जरा समझ लें कि यहां पर जो काम हो रहे हैं ये पाकिस्तान की शह पर बनी हुई गवर्नमेंट है, और काम ये हो रहे हैं। पाकिस्तान में रह रही महिलाओं को ये सब देखकर कैसा लग रहा होगा। मनीष झा के पास जाता हूं, मनीष झा, ये बंद क्यों कर दिया गया? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर तो तालिबानियों का यही कहना था कि महिलाएं अपने बारे में कैसे फैसला ले सकती है, महिलाएं अपने सही गलत का फैसला पुरुषों पर छोड़ दें, और इसीलिए जो महिला विकास मंत्रालय है उसमें महिलाओं को हटाकर वहां पुरुष बैठेंगे और पुरुष फैसला लेंगे कि अफगानिस्तान की महिलाएं क्या पहने, क्या ओढ़े, कब बाहर जाए, किसके साथ जाए, किसकी शादी कब होनी है, फलाना ढिकाना, ये सारा कुछ पुरुष करे। इस आधार पर तालिबानियों ने ये फैसला लिया। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र का जो प्रस्ताव नंबर 2593 है, जिसके तहत एक तरह की लेजिटिमेसी मिली तालिबान सरकार को, और उसमें बार बार ये कहा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए महिलाओं के हक और हुकूक को तालिबानियों को देखना होगा, तो आज के इस फैसले के बाद अब संयुक्त राष्ट्र और तमाम वैश्विक महाशक्तियां क्या करेगी, क्योंकि उन्होंने तो बड़ा भरोसा रखा था कि तालिबान जो है वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करेगा। बल्कि मनीष झा, अभी तो मैंने ये भी सुना कि शायद जो बाइडेन ने यूनाइटेड नेशंस को ये भी कहा है कि वो सैंक्शंस हटा लीजिए टॉप 17 टॉप 20 तालिबान लीडर्स के ऊपर से, ताकि वो दुनिया भर में जहां जहां जरूरी है वहां जा सके। अब इसके बाद भी अगर 2593 का हवाला भी आप दे रहे हैं और फिर सैंक्शंस हटाने के बारे में सोचा जा रहा था, तो अब होगा क्या आगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले एक अहम खबर देख लीजिए। अफगानिस्तान में हक्कानी ने रंग दिखाया है। कैसे रंग दिखाया है जरा वो देखिए। एक हक्कानी, हुसैन हक्कानी के बारे में आप देख चुके हैं। सिवाज साहब, माफी के साथ थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपके पास आ रहा हूं। जरा देखिए अफगानिस्तान में हक्कानी ने क्या रंग दिखाया है, तालिबानी रंग। पाकिस्तान के कहने पर भारत के खिलाफ खुलकर बोला है अनस हक्कानी। अनस हक्कानी ने क्या कहा, ये इमरान खान को बहुत सूट करते हैं बाय द वे, ये हक्कानी नेटवर्क खैबर पख्तूनख्वा, वहां से हक्कानी नेटवर्क का बड़ा लेना देना है, वहीं से साहब भी आते हैं इमरान साहब, और इसलिए उनका बड़ा लगाव है इसे। अनस हक्कानी ने भारत को अफगानिस्तान का दुश्मन करार दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 20 साल से युद्ध भड़काने में जुटा हुआ था भारत, जिसने संसद दी अफगानिस्तान को, जिसने जरांस देलाराम हाईवे दिया, जिसने वहां शहतूत डैम बनाया, सलमा डैम बनाया, वो भड़काने में लगा हुआ था आवाम को। अब ये सब कुछ ठीक करने के लिए पहुंचे हैं। हक्कानी ने भारत को तालिबान के प्रति रवैया बदलने की नसीहत दी। हक्कानी का आरोप, तालिबान की खराब छवि पेश करने की भारत ने कोशिश की है। तालिबान की एक बड़ी अच्छी छवि है जिसको भारत खराब कर सकता है, कमाल। अब जरा ये अब कई बार ये इस पर लगता है जवाब क्या दें, क्या बोले, क्या पूछें, इस तरह की बातों पर क्या कहें, लेकिन अगर ये असलियत है तो आपको इस असलियत का सामना करना पड़ेगा। सिवाज साहब, अब आपके पास मैं आता हूं जरा समझने के लिए, कितने अच्छे वकील हैं तरीन साहब? देखो, करीम साहब तो अपनी बात बोल रहे हैं अपने देश के लिए, पर उसके बिल्कुल खोखली बातें बोल रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। सच्चाई यह है कि जो आप अनस हक्कानी की बात कर रहे थे, आज वो वही बात बोल रहा है जो उसको ISI बोलने को कह रही है, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी और अनस हक्कानी पूरे हक्कानी नेटवर्क को लाने वाला DG है ISI का, जो लेफ्टिनेंट फयाज हमीद वहाँ पहुँचा था, क्योंकि किस प्रकार थे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ओवरनाइट चेंज करा दिया, जो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर बनने थे उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और अनस हक्कुंड को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और कहीं ना कहीं इन्होंने ये देखा कि जो भी इसके अंदर आए वो वैसे मिनिस्टर होने चाहिए जिनको हक्कानी नेटवर्क के साथ कनेक्शन हो, और कम से कम 17 तो ऐसे मिनिस्टर हैं जो कि प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं। ये कहां से सरकार चलेगी, और ना इसके अंदर कोई हजारा है, दो ताजिक और एक उज्बेक है, और वो भी वो हैं जो पहली मिनिस्ट्री में थे, एक भी सर, लेकिन आप लोगों की बात से अभी मेरे जहन में एक बात आई, तो इनको कौन मान्यता देगा? मैं कहता हूं दिनेश, इनको कोई मानता नहीं देगा, इनके पास फंड नहीं आएंगे, यहाँ पर सिविल वार जैसी सिचुएशन होने वाली है और होके रहेगी, क्योंकि ये तो अफगानिस्तान है जिस प्रकार से ये चला हुआ है, पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की आर्मी के कहने पे ये टूटेगा, और
खुद तो टूटेगा। पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक है तालिबान पाकिस्तान जिस प्रकार से टेररिज्म फैलाएगा तब इनको पता चलेगा कि तालिबान क्या होता है। राइट सर, मैं एक बात तो और समझना चाहता हूं सर, विवेक काटजू जी से समझना चाहता हूं क्योंकि वो डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से समझते हैं। सर क्या ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग तरीन साहब ये खतरा समझते हो, भांपते हो, जानते हो, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म में इसको एक्सेप्ट करने कहने का कोई फायदा नहीं है, अपनी 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 एक तरीके से छीछा लेदर कराना है और उनका गुस्सा और मोल लेना है, क्या इसलिए ये नकारा जाता है? असलियत समझते हैं ये लोग दिल में? देखिए पाकिस्तान में भी कई व्यू पॉइंट्स हैं, कई विचार। एक विचार ये है कि तालिबान जो है वो उनका स्ट्रेटेजिक एलाई है और तालिबान की हुकूमत जो बनेगी वो जो बन गई है वो पाकिस्तान के हितों को ध्यान में रखेगी और आगे बढ़ेगी। लेकिन एक तबका ये भी है जो कि ये जानता है कि जो जो जहानत और जो मानसिकता तालिबान की है वो पाकिस्तान में फैल रही और वो पाकिस्तान की के समाज के लिए, पाकिस्तान की राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के खुद विचार जो हैं वो डिवाइडेड है, वो विभाजित, उनमें एकता नहीं। और ये दरअसल तो पाकिस्तानी फौज पे सब चीज निर्भर। अब पाकिस्तानी फौज का जो बुनियादी मकसद है वो है कि किसी ना किसी तरह भारत को अफगानिस्तान की के परिपेक्ष में कि भारत को वहां से निकाला है। राइट, भारत राइट, का कोई भी प्रभाव नहीं हो, इसलिए वो हर कीमत बेशक हाँ, वो सकारात्मक प्रभाव हो लेकिन भारत वहां पे प्लेयर ना बने, बस इसलिए। ये अहम खबर बताता हूं सर, आप लोगों के पास आता हूं, सुशांत सर आपके पास आने वाला हूं, अवधेश जी बस फौरन आता हूं इसके बाद। तालिबान आतंकियों का पैरोकार बना अमेरिका, ये जो खबर मैं आपको बता रहा था, प्रतिबंधित आतंकियों को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की, अमेरिका बोला विदेश यात्रा में छूट का विस्तार करें, तालिबानियों पर लगी पाबंदी पर छूट चाहता है अमेरिका, अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा में छूट मिले, कहना है अमेरिका का। और इस तरह की जो बातें हैं, देखिए जब अफगानिस्तान में काबुल फतह करने के लिए तालिबानी एक के बाद दूसरी जगह फतह करते हुए कब्जे में आ गया करते हुए काबुल की तरफ बढ़ रहे थे तो अमेरिका ने यह कहा था कि हम सैंक्शन लगा देंगे, लेकिन अब क्या हुआ? कहा यह गया था कि अगर आप बंदूक के जोर पर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करेंगे तो आप पर सैंक्शंस लगा देंगे। अब यह तब्दीली क्यों है? क्या इसी तब्दीली की वजह से ऐसे बिलबोर्ड बन रहे हैं? यह इंटरस्टेट हाईवे है अमेरिका के अंदर और अमेरिका के एक पूर्व सीनेटर इसको लगवाते हैं और यहां क्या लिखा हुआ है? पहले इस चेहरे को देखिए, जरा इसको क्लोज कीजिए, यह थोड़ा सा ब्लर्ड जरूर है लेकिन आप चेहरा पहचान लेंगे। ये जो बाइडेन का चेहरा है जिसमें तालिबानी तरीके से उनके सिर पर ये लपेटा गया है और ये रॉकेट लॉन्चर दिखाई दे रहा है और यहां कहा गया है मेकिंग द तालिबान ग्रेट अगेन, और ये खुलकर कहा है। ये एक्चुअली एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आप जानते हैं, उनके पास इस तरीके की होर्डिंग्स का ठेका होता है, लेकिन जिस आदमी ने ये लगवाया है डंके की चोट पर कहता है मेरा नाम लेकर बताओ कि मैं बाइडेन को ऐसा कह रहा हूं, हमारे इतने सारे हथियार गाड़ियां तमाम चीजें वहां हम छोड़कर आ गए हैं, तालिबान को और मजबूत करके आ गए हैं, हम अपने सैनिकों को वहां से मरवा कर और वापस अपनी सेना लेकर आ गए हैं, कायरों की तरह उनका हौसला और मजबूत करके आ गए हैं, और इसीलिए ये बिलबोर्ड लगाओ और पूरी दुनिया को बताओ डंके की चोट पर कि मैंने लगवाया है। पूर्व सीनेटर स्कॉट वैगनर ने लगवाए हैं ये पोस्टर्स और वो कहते हैं बताओ, वैगनर ने राजमार्ग पर बिलबोर्ड किराए पर लिया, इंटरस्टेट हाईवे है ये, एक दर्जन से ज्यादा बिलबोर्ड पर पोस्टर लगवाए उन्होंने। अमेरिकी शर्मिंदगी के लिए बाइडेन जिम्मेदार हैं, वैगनर का कहना है। और ये जो सैंक्शन हटाने वाली बात आ रही है, इसके बाद ये हमले और तेज होंगे या इस समय ये वक्त की दरकार है, ये जानेंगे अपने मेहमानों से। वैगनर के मुताबिक हालात वियतनाम से बदतर हैं, वियतनाम में जो शर्मिंदगी अमेरिका को झेलनी पड़ी थी उससे बुरे हालात यहां पर है, जिस तरीके से तालिबान के हवाले करके अफगानिस्तान को हम आ गए। सुशांत सरीन साहब, इस पर आपका एक रिएक्शन, ये गुस्सा जायज है, आगे और बढ़ेगा? एक तो मैं जनरल काटजू साहब की जो बात है उस पर मैं थोड़ा सा अपनी राय रखना चाहता हूँ। देखिए पाकिस्तान में दो राय जरूर हैं जैसे काटजू साहब कह रहे हैं, लेकिन जो राय मैटर करती है वो राय है कि तालिबान बड़े अच्छे हैं और हमारी सुरक्षा को प्रमोट करेंगे। बाकी दूसरी राय मैटर ही नहीं करती, वो हम लोग उसको पकड़ करके बैठते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, लेकिन
जो एक्चुअल पॉलिसी बनती है और जो लोग निर्धारित करते हैं वो तो ये मानते हैं कि तालिबान सबसे अच्छी चीज है हमारे लिए। और दूसरी चीज, अभी एक सर्वे हुआ है जिसमें ये मालूम हुआ है कि लगभग 55-60% लोग तमाम पाकिस्तान के सूबों में तालिबान का समर्थन करते हैं। तो हम लोग वो ये प्लीज ये छोड़ दें कि पाकिस्तान की एक सिविल सोसाइटी है जो खतरा महसूस करती है वो भाड़ में गई, उसका कोई औचित्य नहीं है वहां पर। और जहां तक आपका सवाल है, ये तो देखिए स्पष्ट है कि अमेरिका ने जिस तरीके से विड्रॉल किया है उससे तालिबान बहुत स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन अब ये अमरीकी राजनीति में ये एक, एक, एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। और आगे चल के जब आतंकवाद बढ़ेगा जैसे कि बढ़ेगा तो फिर जो बाइडेन साहब की सरकार है उसको जवाबदेही उसकी होगी, उसकी जवाबदेही। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाइडेन के लिए बजाय ये आग कमजोर होने के, धीमे होने के लिए के बजाय आगे आने वाले दिनों में इसकी आंच और तेज होगी। अवधेश जी के पास जाना चाहता हूं। अवधेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, काटजू साहब ने कहा कि इस तरीके के व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सरीन साहब कहते हैं कि एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है अगर जहां पर पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर या काम किया क्या जाना है इस लेवल पर वो नजरिए मायने ही नहीं रखते, तो पाकिस्तान में उस तरह के लोगों के होने के मायने फिर क्या रखे जाएं, क्या समझे जाएं? कुछ नहीं, पाकिस्तान में तो ऐसी भी छोटी संख्या आई इंटेलिजेंसिया की जो कहती थी कि भारत के साथ भी हमारे अच्छे संबंध होना चाहिए, लेकिन नीतियों के स्तर पर पाकिस्तान क्या रहा क्या कर रहा है यही देखना होगा। सेना, आईएसआई और सत्ता अगर तालिबान को प्यारा मानती है तो जाहिर है वही नीति है। लेकिन मैं छोटे छोटे तीन बिंदु रखना चाहता हूँ। बिंदु नंबर एक, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बारे में शेख राशिद जो मिनिस्टर है उन्होंने बयान दिया कि हमने, हमारे प्रधानमंत्री ने तालिबानों के समक्ष मसला उठाया था, प्रधानमंत्री अखुंदजादा ने 3 सदस्यीय आयोग गठित की है उसके लिए। लेकिन जब जबीउल्लाह मुजाहिद से जियो नेटवर्क ने पूछा कि भाई क्या आप रोकेंगे उनको, जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मैं मानता हूं कि यह पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान को निर्णय करना है, वहां के लोग सोचे। लेकिन तीन महत्वपूर्ण ये है कि इस समय अमेरिका में जो बिडेन के नेतृत्व में निहायत ही अदूरदर्शी और दिशा भ्रम का शिकार प्रशासन है, 1990-91 में जब वामपंथ का विघटन हुआ था तो एक नई विश्व व्यवस्था कायम हुई। दिशा भ्रम का शिकार है अमेरिका में इस समय जो लीडर्स हैं वो दिशा भ्रमित हैं खुद और जनता को भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अलकायदा के खिलाफ अमेरिका की सख्ती जारी, तुर्की में सक्रिय अलकायदा समर्थकों पर प्रतिबंध, अलकायदा के 5 समर्थकों के खिलाफ पाबंदी लगाई गई, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले को निशाना बनाएंगे कहा गया, आतंकवादियों को फंडिंग करने वालों को भी निशाना बनाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है। करीन साहब आपके पास एक बार फिर से आता हूं, इस सबके बीच ये थ्रेट परसेप्शन आप लोगों का बड़ा हुआ है क्या न्यूजीलैंड की टीम के वापस लौटने के बाद से? जो बात साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ एक ही बात है और एक ही बात सुनी जाती, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान को एक तरक्की पसंद मुआशरा, पाकिस्तान को एक रोशन ख्याल मुआशरा और पाकिस्तान के तमाम जो पड़ोसी हैं उनसे ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं। देखिए हम अमन चाहते हैं, हम अमन के दाई हैं, हम ये चाहते हैं जैसे यूरोपियन ममालिक आपस में बैठे हुए हैं एक दूसरे से मामला कर रहे हैं, हम इसी तरह हमारे यहाँ भी इसी तरह जो सार्क ममालिक हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं आप अमन चाहते हैं। काटजू साहब बहुत संक्षेप में दीजिएगा सर अपनी बात, क्योंकि बस एक सेंटेंस, ये चाहें अमन लेकिन दरअसल आखिर में पाकिस्तान की भारत नीति और अफगानिस्तान की नीति और न्यूक्लियर नीति फौज वहां की निर्धारित है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का वक्त निकालने के लिए आज के शाम मेरे साथ अड़ी में जुड़ने के लिए। और इससे पहले कि मैं आपसे विराम लूं, आज के लिए आज्ञा लूं, इजाजत लूं, एक अहम खबर आपको बताता चलूं। कुलगाम से यह खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, आतंकियों ने पुलिसकर्मी को गोली मारी। कुलगाम में आतंकी हमले में पुलिसकर्मी शहीद, सुरक्षा बलों ने की इलाके की नाकेबंदी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।